हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अर्तुगुल कास्ट की रियल लाइफ की वीडियो दिखाऊंगी जब ये लोग सैलोन में होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंगे निल्तान की वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये अपने हेयर कट और अपनी दाढ़ी शेव करवाने के लिए आए हुए हैं। ये वीडियो कटिंग के बाद की है, इन्होंने क्लीन शेव भी करवा ली है। आप लोगों के ख्याल में ये दाढ़ी में ज्यादा अच्छे लगते हैं या क्लीन शेव बेटर है? इंगन के ये फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट हैं और ये उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इंगन अपनी पार्टीज में भी इन्हें इनवाइट करते हैं और शूटिंग के सेट पर भी ये आपको इंगन के हेयर सेट करते दिखेंगे। सेलजान अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ बहुत ही मस्ती करती हैं। इनका ये स्पेशल स्टाइल है अपने हेयर स्टाइलिस्ट को थैंक्स कहने का। ये बहुत फनी हैं और बहुत ज्यादा फन करती हैं। इस वीडियो में ये अपने हेयर स्टाइलिस्ट को कह रही हैं, ओ माय गॉड, मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, हम ये क्या कर रहे हैं? Çok iyi olmadı mı Ferdi ya? Çok güzelim. Ne yapacağız? इस वीडियो में हेयर स्टाइलिस्ट इनसे पूछ रहे हैं कि आपको बाल कैसे लग रहे हैं, तो ये कह रही हैं कि पहले तुम मेरे बालों से खेल लो, उनको अच्छी तरह से बिगाड़ लो, फिर पूछना कि अब कैसे लग रहे हैं। ये बालों को सेट करके उनसे खेलता है, सारी लुक खराब करके, बालों को अच्छी तरह से बिगाड़ के, मेस्ड अप करके पूछता है कि अब कैसे लग रहे हैं। इसको बालों से खेलने का बहुत शौक है और लगता है कि इसी खेल खेल में ये प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट भी बन गया है। नेक्स्ट मैं आपको बुरसुर कराटनी की वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ ये अपने हेयर स्टाइलिस्ट को कह रही हैं कि शूटिंग के दौरान मेरे बाल बहुत ही डैमेज हो गए थे, लेकिन जिस तरह से आप मेरे बालों की केयर करते हैं, उफ, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। ये कहती हैं कि डिफरेंट हेयर स्टाइल बनवाना मेरे लिए बहुत फन है और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय भी करती हूँ, और हेयर स्टाइल बनवाने का पार्ट मेरे लिए सबसे फेवरेट होता है। इसरा के हेयर स्टाइलिस्ट भी यही हैं और इनके सैलून का नाम द रूम हेयर डिजाइन है। इसरा कहती हैं कि मैं इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मैं इनकी चॉइस पर बहुत ही जल्दी कन्वेंस हो जाती हूँ, और तुर्की के ये बहुत ही फेमस हेयर ड्रेसर हैं और बहुत सी सेलिब्रिटीज इनके पास भी आती हैं, वो इनके साथ पिक्चर्स भी बनवाते हैं। इसरा यहाँ मेकअप सेक्शन में है और ये बताती हैं कि मैं मेकअप प्रोडक्ट बहुत कम यूज करती हूँ और मेकअप के लिए ये ज्यादा किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। असली हान का करेक्टर प्ले करने वाली लड़की के हेयर स्टाइलिस्ट डिफरेंट हैं और ये हेयर स्टाइलिस्ट भी तुर्की के बहुत ही फेमस हेयर स्टाइलिस्ट हैं और इनके हेयर स्टाइलिस्ट भी बहुत ज्यादा फन करते हैं और ये अक्सर ही अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहती हैं। और इस वीडियो में इंगन बता रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इजमिर में रहता है और उसने मुझे बहुत ही अच्छी न्यूज दी है कि इजमिर में एक न्यू थिएटर ओपन हो रहा है और मेरी दुआ है कि उसमें बहुत से लोग आएं, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी उस थिएटर के स्टेज पर परफॉर्म करूंगा। और अब मैं आपको वामसी की ये वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें वो रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अपने ऑर्गन्स का मसाज करके अपने इंटरनल बॉडी का इस तरह से इलाज कर सकते हैं। आपको वामसी की बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये बहुत जबरदस्त टेक्निक अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, और ये बता रहे हैं कि मैं ये बहुत रेगुलर करता हूँ और इसके बाद मैं बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील करता हूँ। ये वीडियो बहुत ही लंबी है जिसमें इन्होंने सारी डिटेल बताई है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Aşağı ve yana doğru, ha? Böyle 45 derece çekiyorum gibi.